नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी भाषा के तीन महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। ये हैं सम, नो, एनी। इन तीनों शब्दों को यदि हम ग्रामर के हिसाब से बात करें तो ये इंग्लिश भाषा में डिटरमिनर शब्दों के अंतर्गत आते हैं। डिटरमिनर्स का अर्थ होता है किसी नाउन को निर्धारित करने वाले शब्द। इनके अलावा भी कई सारे शब्द आपने सुने होंगे, मैनी, मच, अलॉट ऑफ, हाफ, मोस्ट, ईच, एवरी, इस तरह के काफी शब्द होते हैं जो डिटरमिनर शब्द कहते हैं, क्योंकि ये शब्द जो है सारे किसी चीज को निर्धारित करने का या उसका निर्धारण करने का काम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तीन शब्दों की, सम, नो और एनी। आइए एक एक करके तीनों शब्दों से जुड़ी हुई जो ग्रामर के नियम के हिसाब से जो बारीकियां हैं, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सम। सम का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। इसके ग्रामर के रूल की बात करते हैं। इसका प्रयोग जो है हमें काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। यानी दोनों प्रकार की नाउन के साथ सम का प्रयोग करते हैं। आइए काउंटेबल नाउन के साथ सम का प्रयोग किस तरह से करते हैं। जब सम का प्रयोग किसी प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, लाइक सम बॉयज, सम पेंस, सम गर्ल्स, सम बुक्स, तो यहां पर इसका जो अर्थ है वो होता है कुछ। जैसे सम बॉयज का अर्थ है कुछ लड़के, सम पेंस कुछ पेन, सम गर्ल्स कुछ लड़कियां, सम बुक्स कुछ किताबें। लेकिन जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसी सम शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे सम बॉय, सम पेन, सम गर्ल, सम बुक, तो इसी सम का जो अर्थ है वो बदल जाता है। इस जगह पर सम का अर्थ होगा कोई। सम बॉय का अर्थ है कोई लड़का, सम पेन कोई पेन, सम गर्ल कोई लड़की, सम बुक कोई किताब। देखें सम बॉयज यानी बॉयज प्लुरल नंबर है तो इसका अर्थ होगा कुछ लड़के, बट सम बॉय का मतलब है कोई लड़का। सम पेन्स का अर्थ है कुछ पेन, बट सम पेन का मतलब है कोई पेन। सम गर्ल्स का अर्थ है कुछ लड़कियां, बट सम गर्ल का अर्थ है कोई लड़की। सम बुक्स का अर्थ है कुछ किताबें, बट सम बुक का मतलब है कोई किताब। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब इसका प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल से तात्पर्य है ऐसी कोई भी नाउन जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जैसे सम मिल्क, सम वॉटर, सम टाइम, सम मनी। तो जब अनकाउंटेबल के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कुछ। सम मिल्क, सम मिल्क का अर्थ है कुछ मिल्क, सम वॉटर कुछ पानी, सम टाइम कुछ समय, सम मनी कुछ धन। सो ये है सम का कुछ ग्रामर का नियम। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब सम के साथ में दूसरी बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि सम का प्रयोग जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आइए अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द की, नो। नो का अर्थ होता है नहीं। इसका ग्रामर का नियम यह है कि इसका प्रयोग हमेशा किसी ना किसी नाउन शब्द के साथ किया जाएगा। नाउन मतलब होता है जो अपन किसी चीज का नाम होता है, लाइक
नो बुक, नो क्वेश्चन, नो आइडिया, नो वर्क, नो प्लान, नो प्रोजेक्ट। यानी सेंटेंस में जब भी इसका कहीं प्रयोग होगा तो नो के साथ में हमेशा नाउन शब्द आना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगला शब्द है एनी। एनी का अर्थ होता है कोई, बट एनी के साथ एक शर्त यह है कि एनी का प्रयोग या तो हम करते हैं किसी नेगेटिव सेंटेंस में या फिर किसी क्वेश्चन सेंटेंस में, नेगेटिव में या फिर किसी क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। एनी का एक और अर्थ भी है, हम उसको नो से समझें। नो का अर्थ होता है नहीं, बट इसी के बराबर का जब अपने को एनी करना है तो नो का इक्वल वर्ड होगा नॉट एनी। यानी जिस सेंटेंस में हम नो का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर हम नॉट एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसको फिर से हम रिवाइज करें, तीनों को देखें। सब का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान देना है। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। नो का अर्थ होता है नहीं, शर्त यह है ग्रामर की कि नो के साथ में नाउन शब्द आना चाहिए, नो बुक, नो क्वेश्चन, नो आइडिया इत्यादि। एनी का अर्थ होता है कोई, ग्रामर की शर्त यह है कि नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं। नो के बराबर इसका मीनिंग होता है, नो और नॉट एनी का मीनिंग इक्वल होता है, बराबर होता है। आइए इसको हम कुछ सेंटेंस में समझते हैं कि तीनों शब्दों का हम सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। I have some books. I have some books. I have no book. I have not any book. I have some books का अर्थ है मेरे पास कुछ किताबें हैं। सबके बाद में बुक्स काउंटेबल नाउन है, प्लुरल नंबर में है, इसलिए इसका अर्थ कुछ होगा। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। नो के साथ में नाउन आया, मेरे पास कोई किताब नहीं है, यही अर्थ है नॉट एनी का। लेकिन जब हम एनी का प्रयोग करेंगे तो हमने लिखा कि एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर उसको नेगेटिव बनाना होगा और जो भी नाउन होगी उसके साथ हमें एनी का प्रयोग करना पड़ेगा, इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे शी हैज रिटन सम पोएम्स, She has written some poems. उसने कुछ poems लिखी, उसने कुछ कविताएं लिखी। She has written no poem. No के साथ में आया noun. She has not written no poem. उसने कोई भी poem नहीं लिखी। And इसी सेंटेंस में जब हम एनी का प्रयोग करेंगे तो हमें कहना होगा शी हैज नॉट रिटन एनी पोयम, शी हैज नॉट रिटन एनी पोयम। देखिए सबके साथ में काउंटेबल नाउन, अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी हैज रिटन नो पोयम, नो के साथ में नाउन आया। शी हैज नॉट रिटन एनी पोयम, एनी का जब प्रयोग हुआ तो नेगेटिव में हुआ और यहां पर हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि नो के बराबर मीनिंग देने के लिए इसमें नॉट एनी का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। ही बोट सम बुक्स, He bought no book. He did not buy any book.
अफर्मेटिव सेंटेंस, संबुक्स कुछ किताबें, उसने कुछ किताबें खरीदी। ही बॉट नो बुक, उसने कोई भी किताब नहीं खरीदी। ही डिड नॉट बाई एनी बुक, उसने कोई भी किताब नहीं खरीदी। यह हमें यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। आई हैव सम वर्क, मेरे पास कुछ काम है। आई हैव नो वर्क, आई हैव नॉट एनी वर्क, नॉट एनी प्लस वर्क, नो प्लस वर्क एन ए नाउन, सम प्लस वर्क अनकाउंटेबल। मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम नहीं है, आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं है या मुझे कुछ काम नहीं है, आई हैव नॉट एनी वर्क। ओके, वी हैव सम आइडियाज, हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। वी हैव नो आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। We have not any idea. हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। आइए कुछ और शब्द समझते हैं। Some boys are coming here. Some boy is coming here. So देखिए, सम के साथ में countable आया, noun आया, plural number में। Some boys are coming here. कुछ लड़के यहां आ रहे हैं। Some plus countable noun, plural number। Some boys are coming here. कुछ लड़के यहां आ रहे हैं। Some boy, कोई लड़का। Some boy is coming here. कोई लड़का यहां आ रहा है। कुछ लड़के यहां आ रहे हैं, कोई लड़का यहां आ रहा है। Some girls are singing. Some girl is singing. Some girls are singing. Some girl is singing. Some girls का अर्थ है कुछ लड़कियां। कुछ लड़कियां गा रही हैं। Some girl, कोई लड़की गा रही है। So, ये प्रयोग था some का, no का, any का। दोस्तों यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, आप क्वेश्चन करिए। मैं अगले वीडियो में और ट्राई करूंगा इनको और अच्छी तरह से समझाने का। इनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में बात करते हैं कुछ नेक्स्ट रिटर्न वर्ड की। थैंक यू वेरी मच, बाय।